हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे हिंदी यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है इंडियन लर्नर। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि एक्सेल में वी लुकअप लगाने का आसान तरीका। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम आपको दो तरीके बताएंगे, जिसमें पहला होगा कि सेम एक्सेल सीट में कैसे वी लुकअप लगाते हैं, और दूसरा होगा कि एक एक्सेल सीट से दूसरे एक्सेल सीट में हमें वी लुकअप कैसे लगाना है। अगर आपने अपना ई कॉमर्स का बिजनेस अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है तो ये फॉर्मूला आपके लिए रामबाण साबित हो सकता है। जी हाँ दोस्तों, तो इस फॉर्मूले को डिटेल में जानकारी के लिए वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम डायरेक्टली आ गए हैं एग्जाम्पल वन, वी लुकअप ऑन सेम एक्सेल सीट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे मैंने कुछ टेबल ऑलरेडी क्रिएट कर रखा है। वहाँ पे एसकेयू प्राइस एंड न्यू प्राइस एंड करंट स्टॉक है। जी हाँ दोस्तों, तो इसमें से मैंने कुछ एसकेयू यहाँ पे ले ली हैं। ये देखिए दोस्तों, अगर लिस्टिंग आपकी 10-15 हो ना तो ये विलुकअप्स की ज़रूरत नहीं पड़ती आपको। लेकिन अगर आपकी लिस्टिंग 200 या 500 पे पहुंच जाती है ना, तब आपको इस फॉर्मूले की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि ये एसकेयू है, इसकी मुझे नहीं पता कि करंट सेलिंग प्राइस कौन सी है, और इसकी मतलब न्यू प्राइस अपडेट करनी है तो वो भी आपको नहीं पता, राइट। और करंट स्टॉक क्या है इसका तो वो भी आपको नहीं पता। तो मैं क्या करूँगा, इसको वी लुकअप के ज़रिए यहाँ पे इसकी वैल्यू यहाँ से एंटर कर दूंगा। देखिए दोस्तों, 10 एसकेयू होंगे तो कोई भी यहाँ से आसानी से सर्च कर सकता है। अगर 200 या 500 होगी तो उसे आसान करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। मुश्किल ज़्यादा भी तो नहीं होता लेकिन टाइम ज़्यादा लग जाता है। तो ये फॉर्मूला क्या करता है कि घंटों का काम मिनटों में कर देता है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे आप इक्वल टू लिखिए, उसके बाद वी लुकअप एंटर कीजिए, उसके बाद जिस एसकेयू की आपको वैल्यू चाहिए, मतलब उसका रिजल्ट चाहिए, मतलब उसकी प्राइस ये हो गई, इसका स्टॉक हो गया, उसकी एमआरपी हो गई, वॉट एवर जो भी आपको उस एसक्यू का मतलब जो भी टाइटल हो गया, डिस्क्रिप्शन हो गया, कोई भी चाहिए तो आप उसे सिलेक्ट कर लीजिए। मतलब किसका रिजल्ट चाहिए आपको, पहले वो चूज़ करना है आपको। मतलब यहाँ पे मैंने एसक्यू ले लिया है, राइट, ये 1003 ले लिया है मेरा एसक्यू। उसके बाद मैं क्या करूँ, मुझे पूरा जितने भी एसक्यू है ना, मुझे सबकी वैल्यू चाहिए। उसके बाद आपको कोमा कर देना है, उसके बाद आपको यहाँ पे जो एसक्यू आप देख पा रहे हैं ना, उसके बाद वहाँ पे उसको भी सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको इसकी प्राइस चाहिए ना, तो प्राइस सिलेक्ट कर लीजिए। देखिए दोस्तों, यहाँ पे दिखा है 10R × 2C। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे 2C दिख रहा है, मतलब आपको यहाँ पे 2 एंटर करना है। उसके बाद कॉमा करके आपको फॉल्स कर देना है। जैसे आप फॉल्स कर देंगे, उसके बाद ब्रैकेट ओवर कर देंगे तो उसके बाद आपको रिजल्ट दिखाई देगा। उसके बाद आप ड्रैग कर दीजिए। जी हाँ दोस्तों, ये हो गया। उसके बाद हमें न्यू प्राइस इसमें एंटर करनी है, तो मैं मैन्युअली तो लाऊंगा नहीं, तो उसमें भी सेम फॉर्मूला आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वी लुकअप ये पूरा सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद कॉमा, उसके बाद एसक्यू सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि एसक्यू के सामने आपको न्यू प्राइस चाहिए ना, तो वो आप यहाँ तक लेना है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी न्यू प्राइस करके बनाया हुआ है। यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे 3C दिखा रहा है, तो आपको यहाँ पे 3 एंटर करना है। मतलब जो कॉलम का नंबर दिखा है वही आपको यहाँ पे एंटर करना है, तो ही वहाँ से वो वैल्यू कैच करेगा। जी हाँ दोस्तों, ये हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, ड्रैग कर सकते हैं या फिर शिफ्ट कंट्रोल से अप एंड डाउन, वो एरो की होती है उसकी मदद से, उसके बाद Ctrl D कर दीजिएगा, तो सारा उसके मतलब जो भी डेटा होगा, जैसे आप ड्रैग करते हैं वैसे वैल्यू आती है, वैसे ही आ जाएगी। उसके बाद इसका करंट स्टॉक आपको ऐड करना है, तो वही सेम फॉर्मूला आपको इम्प्लीमेंट करना रहेगा। यहाँ पे देखिए दोस्तों, 4 आ रहा है, उसके बाद आपको कॉमा करके 4 कर देना है, उसके बाद एंटर कर दीजिए, ये आ गया। अब मैं आपको मैन्युअली चेक करके बताता हूँ इसका सेम आया है कि नहीं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैं हाईलाइट कर देता हूँ यहाँ पे, देखिए इसकी और इसकी वैल्यू सेम आ गई। हालांकि हमने ये फॉर्मूले की मदद से लाए हैं, राइट। अब रेंडमली आपको चेक करके मैं ये भी बता देता हूँ, ये इसकी वैल्यू हो गई, यहाँ पे मैं देख लेता हूँ इसकी वैल्यू सेम आ रही है कि नहीं। जी हाँ दोस्तों, सेम आ रही है। देखिए, देखा दोस्तों, इस फॉर्मूले की वजह से ही आपका काम इजी हो जाएगा। अब हम आपको दूसरा फॉर्मूला बताएंगे, जो एक एक्सेल सीट से दूसरे एक्सेल सीट में कैसे फॉर्मूला लगाते हैं।
तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा दोस्तों। तो चलिए दोस्तों हम इस एक्सेल शीट में आपको बताएंगे कि एक एक्सेल शीट से दूसरे एक्सेल शीट में वीलुकअप कैसे लगाते हैं। तो चलिए दोस्तों हम मुझे यहाँ पे आइटम का नेम लेना है, वो हम कहाँ से लाएंगे? ये जो सेकंड एक्सेल शीट है उसमें ऑलरेडी सारा मतलब मेरी जितनी भी लिस्टिंग है उस सब का डेटा है इसमें। तो मुझे क्या लेना है, ये आइटम नेम लेना है यहाँ से। तो मैं मैन्युअली एंटर नहीं करूँगा, मैन्युअली फाइंड आउट नहीं करूँगा, मैं क्या करूँगा यहाँ पे एंटर करूँगा वी लुकअप फॉर्मूला। उसके बाद मुझे जिस एसक्यू का चाहिए टाइटल और टाइटल डिस्क्रिप्शन प्राइस असिन नंबर मैक्सिमम रिटेल प्राइस, तो मैं क्या करूँगा उस एसक्यू को पहले सिलेक्ट कर लूँगा। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे मैंने ये सारा सिलेक्ट कर लिया है, उसके बाद आपको कॉमा कर देना है। उसके बाद यहाँ पे भी एसक्यू है उसको आपको सिलेक्ट करना है, क्योंकि वो एसक्यू जो हमने सिलेक्ट किए हैं वो एसक्यू इस एसक्यू के अंदर ये जो हमने सिलेक्ट किए हैं ना इसमें फाइंड आउट करेगा। उसके बाद आपको क्या चाहिए, आइटम नेम। उसके बाद यहाँ पे देखिए दोस्तों आपको 2C दिख रहा है, तो वही आपको कॉलम का नेम यहाँ पे देना है, टू, सिर्फ टू देना है आपको, क्योंकि वो जो सिलेक्ट किया है ना आपने सेलर एसकेयू और आइटम नेम, और वो वहाँ पे पहले आपने किया था यहाँ पे, तो वो एसकेयू यहाँ पे फिल्टर लगाएगा, उसकी वैल्यू वहाँ पे एंटर करके रिजल्ट हमें वहाँ पे देगा। देखिए दोस्तों ये टाइटल आ चुका है। उसके बाद आपको क्या, आप ड्रैग भी कर सकते हैं। देखिए दोस्तों आ गई सारी वैल्यू। उसके बाद मुझे क्या चाहिए, आइटम का डिस्क्रिप्शन चाहिए। तो सेम आपको फॉर्मूला लगाना रहेगा वीलुकअप। उसके बाद ये सेलर एसक्यू जिस एसक्यू का आपका चाहिए ना, आपको जिस एसक्यू का डिस्क्रिप्शन चाहिए वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ से सेलर एसक्यू को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आइटम डिस्क्रिप्शन, यहाँ पे कॉलम जा रही है आपकी 3 पे, तो आपको कोमा करके 3 एंटर कर देना है। जैसे आप कर देंगे उसके बाद एंटर कर दीजिए, देखिए दोस्तों ये भी आ गया है। उसके बाद आपको प्राइस भी लेना है, सेम तरीके से आप सब कुछ कर देंगे। दोस्तों मैं ज़्यादा नहीं करूँगा क्योंकि वीडियो लेंथी हो जाएगी। उसके बाद मैं आपको एक और करके बता देता हूँ प्राइस का, मुझे जानना है कि करंट सेलिंग प्राइस क्या है। तो आपको सिलेक्ट कर लेना है विलुकअप लगा के, फिर उसके बाद यहाँ पे सेलर एसक्यू हो गया, उसके बाद आपको यहाँ से प्राइस करके दिखाई दे रहा होगा, तो कोमा करके 4 कर दीजिए और उसके बाद फॉल्स करके एंटर कर दीजिए, वो भी आपको यहाँ पे दिखाई देगी। देखिए दोस्तों बहुत आसान है ये फॉर्मूला, आप कोई भी सीख सकता है। तो अगर दोस्तों आपको ई कॉमर्स के रिलेटेड कोई भी सर्विस चाहिए, लाइक रजिस्ट्रेशन है अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट मीसो स्नैपडील, या फिर लिस्टिंग करवानी हो अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट एंड स्नैपडील या फिर मीसो, या फिर इमेजेस एडिटिंग करवानी हो रिसाइज या वाइट बैकग्राउंड, तो आप नीचे दिए गए ईमेल आईडी पे मेल कर सकते हैं, आपको बेस्ट रेट में अच्छी क्वालिटी मिलेगी, वो गारंटीड है। अगर दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर दोस्तों आपके रिलेटिव में या फ्रेंड में कोई अगर ऑनलाइन बिजनेस करना चाहता है तो आप ये वीडियो उससे ज़रूर शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब कीजिए, आपका एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है हमारी नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। Thanks for watching.